गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस जैसे ही आप लोग बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आप लोगों के लिए चलेंगे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए भगवानपुर। देखिए ट्रेन वहाँ लगी हुई है, चलिए चलते हैं आदित्य भाई, चलिए गाड़ी के पास। काफ़ी ज़्यादा खाली खाली है, पूरा इतना खाली है और अभी खूब आनंद आ रहा है। देखिए आदित्य भाई, आज हम 40 मिनट की यात्रा के बाद पहुँच गए हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। चलिए चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी जंक्शन के पीछे वाली गली है। तो दोस्तों हम अभी छाता चौक पे है, जो कि छाता चौक से 200 मीटर बाद उधर यूनिवर्सिटी है और 500 मीटर बाद है रेलवे स्टेशन, जयप्रकाश नारायण जी की पार्क है। तो दोस्तों यह मार्केट है पूरे मुजफ्फरपुर की सबसे बेस्ट मार्केटों में से है। तो गाइस बिहार यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, यहीं से आपको अंदर एंट्री होगी। और देखिए डिपार्टमेंट लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। तो गाइस यह देख रहे हैं डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कैमरों पकड़ने में नहीं मिलता। ये यहाँ फील्ड के जस्ट पीछे वाले एरिया में है, जहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, आप अगर रास्ता से गेट से एंट्री करेंगे तो राइट साइड चलते हुए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जूलॉजी डिपार्टमेंट है। और यूनिवर्सिटी गेट से अंदर एंट्री किए हैं। चलिए आगे, बहुत सारा अभी डिपार्टमेंट दिखाना है। यह यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इस साइड जा रही वह महिला डिपार्टमेंट है, जा रही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मेन भवन। तो दोस्तों यह अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मेन भवन है, जो देख सकते हैं आप लोग। और यही इसी में पूरे भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का जितनी कामें हैं, पूरे 2-4-5 इनका यूनिवर्सिटी, माने कितना जिला में होगा फिर भी, नहीं सर कॉलेज है, कॉलेज सारे कॉलेज का काम, हर चीज़ मुख्य ऑफिस यही बिहार यूनिवर्सिटी का, यह हेड ऑफिस है, यहीं से सारे काम को। इसी गली में रिजल्ट सुधार किया जाता है, पार्ट थर्ड यानी यूनिवर्सिटी का सारे खोले खोले घुमाएंगे आपको, दिखाएंगे कि कहाँ क्या बसे हुए हैं। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फ्लोर से यह नज़ारा देखने को आपको मिल सकता है। अगर आप कभी जाते हो तो जाकर के यह नज़ारा देख लेना। और यह सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत बनाई गई है, इस सुंदर। तो गाइस यह यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड डिपार्टमेंट, जो कि कोई भी एग्ज़ाम अगर जारी होने से, चालू होने से पहले यहाँ ही एडमिट कार्ड को रजिस्ट्रेशन और प्रिंट किया जाता है। तो यह एकदम गोल वाले से थोड़ा सा इधर घूमिएगा, जो आपको दिख रहा है स्पॉट काउंसिल डिपार्टमेंट। और यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा और बहुत बेहद अच्छी आनंद लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको काम तो पैसे से होगी लेकिन यहाँ आपको स्वच्छता देखकर और हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर बस एक ही काम गड़बड़ होता है कि हर काम के लिए पैसा लिया जाता है, तो इसके अलावा हर चीज़ एकदम सही और गुड है, नेक दिल वाले इंसान सब है यहाँ पे। यूपी हॉल है जहाँ पे एग्ज़ाम होने के बाद जो कॉपियाँ होती है वो यहीं आती है, और यहीं से जहाँ बिहार यूनिवर्सिटी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सारे दुख यहीं से दूर किया जाता है और रिजल्ट दिया जाता है। और ये जो अभी जो नया भवन दिख रही है, इसमें पीजी पीएचडी सबका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हॉल है। अभी नए नए बिल्डिंग भवन बनी है और यहाँ से एग्ज़ाम अभी सेशन चल रहा है, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम, अभी नहीं तो यहाँ एग्ज़ाम हो रही थी 5 दिन पहले और अभी नहीं हो रही है। देखिए नया नया भवन बना है एग्ज़ाम। तो फाइनली यह जो गेट दिख रहा है और जो भवन बड़ी सी दिख रही है, यह गेस्ट हाउस है जिसमें हमारे राजपाल और वीसी वगैरह जो भी सर लोग आते हैं वह इसी में रहते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के सारे गेस्ट इसी गेस्ट हाउस में रहते हैं। ये हमारी और उसके जस्ट सामने अभी हम हैं जिस गेट पे, यह बिहार यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का गेट है, सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें आप सारे जैसे जिस बुक की आप तलाश होगी सारे बुक यहाँ उपलब्ध किया जाएगा। तो चलिए अभी अंदर आज नहीं जाना है, फिर कभी। गाइस हम पहुंच गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। हमारे प्रिय मित्र हैं जो यूनिवर्सिटी में ही जॉब करते हैं। सर कहाँ जॉब करते हैं? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं। इनसे ही मिलने चले आए थे, तो बोले कि आइए यूनिवर्सिटी घुराएंगे आपको अच्छा से, तो इसीलिए इनसे मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा। और पूरे यूनिवर्सिटी हमको अच्छे से घुमा दिए। देखिए फिर से इधर केमिस्ट्री है, इधर जूलॉजी है,
सारे डिपार्टमेंट आपको एक फील्ड के इर्द गिर्द ही मिल जाएगा। हम अभी लंगट सिंह कॉलेज जो कि महाविद्यालय के अंदर ही है, जिसमें पत्रकारिता और दूरसंचार विभाग ऐसे पढ़ाई किया जाता है क्या, सॉरी विश्वविद्यालय के तहत। तो चलिए इसके अंदर से ही चलते हैं। तो लंगट सिंह महाविद्यालय के हम लोग गेट पे हैं और गेट के जस्ट बाजू में ही अभी राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क है। चलिए नज़दीक से थोड़ा दिखाते हैं। देखिए राजेंद्र बाबू वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत बेहद एक खूबसूरत पार्क बनाया गया है और इसके जस्ट बाजू में ही लंगट सिंह। तो आप देख रहे हैं कि यही लंगट सिंह महाविद्यालय का मेन गेट है और जेपी वार्ड है और हमारे लंगट बाबू का तस्वीर बनाई गई है, देखिए यही है। तो दोस्तों कॉलेज कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों हम अभी है रामधारी सिंह दिनकर पार्क के गेट पे, और जो कि यह पार्क अभी 2022 में ही बना ही है और यह ताला बंद रहता है, क्योंकि अब क्या पता किसके लिए बना है। यह पार्क जो आप लोग को देखने में लग रहा है, ये लंगट सिंह महाविद्यालय के पार्क हैं जो बहुत खुशनुमा है। इसको हम लोग को देख करके बहुत खुशी मिल रही है और हम लोग काफ़ी खुश भी हैं। हाँ। और लंगट सिंह देखिए, यह छात्रावास है लंगट सिंह महाविद्यालय का। तो दोस्तों यह यूनिवर्सिटी काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर में बनाई गई है कि गोल गोल घूमिएगा तो पूरा यूनिवर्सिटी को आप एक चक्कर 2 किलोमीटर में हम लोग लगा देंगे ना। जी जी ये हम लोग की सौभाग्य की बात है कि लंगट सिंह महाविद्यालय के ये महान पार्क को और महान हमारे कवियों को देखने का मौका मिला है आज। पार्क को हम लोग ऐसे दृश्य से देख रहे हैं, तो चलिए अभी पार्क में आएगा ही, तो अभी बने रहें, चलते हैं पार्क में। तो दोस्तों लंगट सिंह का जो पीजी डिपार्टमेंट है, पीछे से बच्चे लोग आ रहे हैं, वह लंगट सिंह महाविद्यालय का पीजी डिपार्टमेंट है। अब हम लोग महात्मा गांधी पार्क, और अभी आदित्य भाई हमको ले चलेंगे महात्मा गांधी पार्क। तो चलिए अभी महात्मा गांधी पार्क चलते हैं। मुख्यमंत्री जी के तौर पर, तो देखिए हम लोग आ गए हैं महात्मा गांधी पार्क। चलिए आदित्य भाई से सुनिएगा, अभी बताएंगे। ये हमारे लंगट सिंह महाविद्यालय में अवस्थित है, जिसका उद्घाटन तारकिशोर प्रसाद सिंह जो उप मुख्यमंत्री थे हमारे बिहार के भूतपूर्व, उन्होंने इसका उद्घाटन किए थे। और ये खुशनुमा जो माहौल है आप देखिए, इसने बच्चे के लिए जो बनाए गए हैं सुबह में उनको टहलने के लिए और व्यायाम करने के लिए, तो आप लोग को भी देख करके खुशी मिल रही होगी कि इतने अच्छे लंगट सिंह महाविद्यालय में व्यवस्था है जो हमारे बच्चों के लिए हैं। धन्यवाद। तो गाइज आप लोग जानते थे कि महात्मा गांधी जी पूरे भारत में स्वच्छता के लिए कितने लड़ाई लड़ रहे, और उनको स्वच्छता और देसी ज़्यादा पसंद थी। इनके लिए उनकी जो पार्क के आजू बाजू भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ है और उनका पार्क भी एक बेहतर स्वस्थ पार्क है। तो चलिए थोड़ा अंदर दिखाते हैं। अंदर तो पूरा ग्रीन ग्रीन, और देखिए चेयर भी खाली इंतजार कर रही कोई। तो यही है महात्मा गांधी पार्क की मेन गेट। तो गाइस हम लोग यूनिवर्सिटी को अब बढ़िया से भ्रमण किए हैं, ये बनेगा उसके बाद ही। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखना नहीं भूले। चलिए तो अब चल रहे हैं घर। हम मुजफ्फरपुर मार्केट में है, जो कि छाता चौक का ही मार्केट एरिया है। आप लोगों ने देखा ही कैमरा को कैसे देख रहे थे, और हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पे आ गए हैं जो कि। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी मुजफ्फरपुर जंक्शन पे पहुंच गए हैं, और यह जंक्शन के बाहर से पीछे वाले गेट से एक बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे बना है जो कि बुकिंग सेंटर। आप अगर पीछे से भी आते हैं तो आपको यहाँ पर टिकट मिल जाएगा, सारे सुविधाएँ सारे फैकल्टी यहाँ पे हैं। साइड देखिए जिस सीरी से लोग चलते हैं, जिससे कार पार्क वाहन सब चीज़, यह समझ लीजिए कि ओवर ब्रिज है, इस पार से उस पार जाने के लिए सीधे लेन। बाबा कह रहे थे कि 4 बजे के बाद यहाँ टिकट नहीं मिलता है, चलिए उनका ही मान लेते हैं। लेकिन ऐसे अभी तो है, हम लोगों को तो टिकट चाहिए ही नहीं क्या। हम लोग तो टिकट ले, हम लोग एक SM है और ये हमारे भाई साहब जो है सीनियर टिकट कलेक्टर है, जो कि हम लोगों को टिकट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग खुद में सरकार है और खुद में गरीब है। टाइम हो रहा है 3 बजे। तो दोस्तों हम लोग जंक्शन पे हैं, और हम लोग
हमरा अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का पूरा चक्कर लगा के आ रहे हैं और आदित्य भाई आज पूरे यूनिवर्सिटी घुमाया, काफ़ी खुश है भाई क्योंकि और देखिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पे 10-20-50 ट्रेन नहीं लगा हुआ है लेकिन हम लोगों के पास जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। यह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है जो कि आप अगर बिहारी होंगे तो आनंद लेंगे, अगर दूसरे स्टेट से होंगे तो आपको डर सा लग जाएगा। यह भीड़ जो है यहाँ की कॉमन भीड़ है जो कि डेली रहती ही है, इतना भीड़ अगर इससे ज़्यादा कम भीड़ रहता है तो लोग को मज़ा ही नहीं आता। देखिए दोस्तों यह छिल्लू भाई हमारे साथ और हम अभी चल रहे हैं, हमारी ट्रेन लागे हुई है।